मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी के आरोप में लोकल ट्रेन से एक व्यक्ति को 3 लोगों ने खींच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और पिटाई होने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम जो है कमालुद्दीन अंसार शेख 43 वर्ष बताया जा रहा है। जो समय कमालुद्दीन लोकल ट्रेन से अंबरनाथ जा रहे थे और कमालुद्दीन पर 3 युवकों ने मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया था, ऐसा जानकारी पुलिस ने दिया है। पुलिस ने बताया है कि कमालुद्दीन जो है ये मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ जो है पकड़े गए थे, जिसके बाद इनकी पिटाई हुई थी। हालांकि इन तीनों युवकों ने इन्हें जब मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ा तो इन्हें मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और इनकी पिटाई कर दी गई। हालांकि पिटाई की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, मगर ये तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए थे। गंभीर अवस्था में कमालुद्दीन को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात जो है 1 जनवरी को रात करीब 11 बजे के आसपास में मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हुई थी और आखिरकार इलाज के दौरान कमालुद्दीन की 4 जनवरी को मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी 2 आरोपी फरार हैं और इनकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। दिनांक 1 जानेवारी 2023 रोजी आमच्या मुंब्रा रेल्वे पोलीस स्टेशनला 3 इसम जे तरुण आहेत, या तरुणांनी एका संशयित मोबाईल चोराला बाहेर खेचून त्याला बेदम मारहाण केलेली आहे आणि त्यामध्ये त्याचा जीव गेलेला आहे। आम्ही त्या संदर्भात या 3 जवान अनोळखी मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। माझी सर्व प्रवाशांना या तरुण मुलांना अशी विनंती आहे की तुमच्या बाबतीत असा जर प्रकार घडला तर कृपया त्या संशयित चोराला किंवा इसमाला मारहाण करू नका, त्याला आमच्याकडे ताब्यात द्या किंवा स्टेशनवर असलेल्या पोलिसाच्या ताब्यात द्या, कृपया तुम्ही गुन्हा हातात घेऊ नका। असे प्रकार झाल्यानं तुमच्या हातून जर एखादा जीव गेला निष्कारण तुम्ही जेलमध्ये जाल, तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील, तुम्हाला शिक्षा होईल। आरोपीचं बॅकग्राऊंड क्या होतं सर? आरोपी हा एक संशयित मोबाईल चोर होता, त्याच्यावर ऑलरेडी 3 गुन्हे ऑलरेडी दाखल आहे आणि ज्या मुलांनी ज्या तरुणांनी त्याला मारहाण केलेली त्या तरुणाचा तो मोबाईल काढताना त्यांना मिळालेला होता। कोणाला अटक केली आहे का? यामध्ये एक जो तरुण मारहाण करणारा त्याला आम्ही आयडेंटिफाय करून त्याला मुंब्रा इथून ताब्यात घेण्यात आलेला आहे, त्याला अटक करण्यात आली।